अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी बाटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज जो है जुमे का दिन है, थोड़ा सा शोर हो रहा है सड़क पर। तो जुमे का दिन था, गुजर गया है, यानी शाम हो गई और बस अभी असर की नमाज अदा करके और ब्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया है। और मेरी चाय जो है रखी हुई है, तो बस भी पीने चलते हैं। मैंने सोचा तो बच्चे हैं, शरारत कर रहे हैं, बाइक खड़ी है, तो चाय रखी हुई है। मैंने सोचा कि चाय तक पहुंचूं इससे पहले जो है चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और भी लोग जो है नमाज़ पढ़ करके मस्जिद से देखिए निकल करके आ चुके हैं। आसिर की मतलब जो नमाज जो है अदा हो चुकी है मस्जिदों में भी और मेरी भी। और फटाफट से जो है जो लोग आज फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग को देख रहे होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को बेल के साथ करेंगे, बेल को ऑल पे प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, देखिए कहाँ तक जाता है। तो चलिए चलते हैं चाय के पास। तो चाय पीते हैं और चाय के साथ आज बहुत ज़्यादा लवाजमात है, यानी कि इवनिंग स्नैक्स, तो आपको दिखाते हैं। तो ये रही मेरी चाय शाम की, और बहुत ज़रा सी चाय लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस सुबह में ही जो क्वांटिटी चाय की थोड़ी ज़्यादा होती है। और दोपहर के खाने के बाद तो जो है फिर लगने लगती है शाम में भूख, यानी कि जब असर की नमाज़ पढ़ लो तो उसके बाद से जो है छोटी मोटी भूख जाग जाती है। तो बस मैंने दाल मखाने और चाय जो है इंजॉय कर लिया था। तो जो चिप्स पापड़ वगैरह थे और ये सारी चीज़ें बच्चों ने अपनी फरमाइश पे शाम में बनवाई थी, तो इन्हीं लोगों ने जो है इंजॉय किया। और वैसे भी अक्सर मैंने नोटिस किया है ना कि शाम में अगर हम कुछ तला भुना खा लेते हैं ना तो मुझे जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हैं। और दाल मखाना भी जो है बस मैंने हल्का सा आधे जो है चम्मच में आधे देसी घी, मतलब आधा चम्मच देसी घी ले करके बस दाल मखाने उसमें फ्राई कर लिए थे, और थोड़ा सा जो है चाट मसाला और जो है थोड़ा सा जो है काला वाला नमक डाल करके इसको जो है मतलब फ्राई कर लिया था। और ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है होता है, तो इसे जो है अपनी ग़िज़ा में ज़रूर हमें शामिल करना चाहिए। और जो दाल मखाने होते हैं तो इसके अंदर जो है क्या कहते हैं कैल्शियम भी खूब पाया जाता है, तो इसमें जो है क्या कहते हैं इसे हमें अपनी ग़िज़ा में ज़रूर, जो शुगर पेशेंट उनके लिए तो बहुत मुफीद है। तो उसके बाद जो है फिर लाइट चली गई थी और इस कदर बाराबंकी की लाइट कट रही है कि कुछ हद नहीं। तो फिर ये सीधे रात का वक्त था, जब लाइट आ गई तो हम लोगों ने 10 बजे के बाद खाना खाया। तो खाने में जो था चिकन का सालन था, यानी चिकन कोरमा और नान कुलचे और पुलाव सैलड वगैरह। और मैंने शॉर्ट वीडियोस का डाला था पहले ही, आपके साथ शेयर कर दिया था, मैंने कहा ना मेरे ब्लॉग्स थोड़ा लेट चल रहे हैं और ये जुमे की रात की ही क्लिप है। तो जब शाम में ब्लॉग शूट करना शुरू करते हैं असर का टाइम, तो उस टाइम के बाद जो है फिर दूसरा दिन भी उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि फिर अब इसके बाद जो है रात में खाना खाने के बाद फिर आपको नेक्स्ट डे का भी ब्लॉग इसी के अंदर मिल जाएगा। तो एक ब्लॉग में दो दिन के वीडियोस आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो यकीन मानिए चिकन का सालन इतना अच्छा बना था, जितना ये देखने में जो है अमेजिंग लग रहा है ना, जायकेदार लग रहा है, ये उतना ही खाने में भी बहुत मज़ेदार था। तो हम सब ने जो है अपना खाना इंजॉय किया। और बस इस वक्त बहुत दिक्कत चल रही है, इस कदर लाइट जा रही है, मतलब इस कदर लाइट जा रही है, आज भी लाइट बहुत कटी, यानी मंडे के दिन, और लाइट ने हम लोगों को बिल्कुल से रुला दिया है। जो कभी मुझे पसीना नहीं आता था तो पसीना जो है निकलना मेरा शुरू हो चुका है। अब मेरी मुलाकात आपसे डायरेक्ट सुबह हो रही है, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया क्योंकि दिल ही नहीं किया, मौका भी नहीं मिला, और जब मेंटली प्रिपेयर ना हो तो फिर दिल नहीं करता है। तो अब सीधे जो है चाय पीने जा रहे हैं, बस अभी आ करके ब्रश करके बैठे हुए हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं। सुबह फजर की टाइम आँख खुली थी और फिर उसके बाद जो है सो गए, फिर 8 बजे
8 बजे नहीं 7:30 बजे आँख खुली। और ये मेरी चाय है। और कल जुमा का दिन था तो ऐसे भी जो है जुमे के दिन जो है पूरा दिन जो है बिजी जाता है, और इस कमरे में लाइट का बहुत इशू है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर जो है रोशनी जो है थोड़ा कम रहती है ना। तो चाय और पराठा हम इंजॉय करने जा रहे हैं, मुझे चाय पराठा बहुत पसंद है। और ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग से, क्योंकि कल शाम को शुरू किया था लेकिन जो है फिर उसके आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया, किचन में जो है जाने ही नहीं हुआ। वैसे तो रात में डिनर में जो है जो बना चिकन पुलाव वगैरह वो मैंने जो है शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दिया था। तो चलिए फिर अभी चाय पराठा खा लेते हैं और उसके बाद मुलाकात होती है, ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग हो और चाय ना हो पराठा ना हो तो फिर कुछ अधूरा लगता है। वैसे भी सुबह की जो शुरुआत होती है वो चाय के साथ ही होती है, तो मेरी चाय जो है हो चुकी। वो जो है सीधे डायरेक्ट अब मिल रहे हैं 12 बजे, और बारिश जो है स्टार्ट हो गई है, पानी की जो बूंदें हैं वो गिर रही हैं, तो बस उसी का लुत्फ़ लेने के लिए बाहर मौसम इंजॉय करने के लिए आ गए थे। और किचन में क्या बन रहा है हम आपको दिखाते हैं। तो किचन में बन रही है आज मिक्स दाल और जो है साथ में चावल। तो दाल में हम लोग डालेंगे आज जो है अरबी मिक्स दाल में। तो यहाँ पर जो है दाल और अरबी का सालन जो है रेडी है। तो बच्चों ने तो ये खाना नहीं था, तो हम लोगों ने जो है हमको यानी मेरी बहू को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो सिर्फ जो है तुअर की दाल यानी अरहर की दाल खाना पसंद करते हैं। तो जब उनकी पसंद का खाना नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी पसंद का जो है लाजमी बनाएंगे। तो इन लोगों ने अपने लिए जो है चाउमीन बना ली थी, उसके अंदर ढेर सारी सब्ज़ियाँ गाजर शिमला मिर्च वगैरह जो है शामिल कर लिया था। तो इन लोगों का अक्सर यही होता है कि जब ये लोगों को जो है खाना, ये लोग खाने में वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है कच्चे हैं, ये लोगों को चाउमीन बर्गर फ्राइज़ स्प्रिंग रोल या कबाब हो गए, या तो खाने में बिरयानी बनी हो, कोफ्ते की करी हो, बिरयानी हो, ये सारी चीज़ें ये लोग खाते हैं। मतलब पूरी तरीके से जो है मांसाहारी हैं, मतलब नॉन वेज के ऊपर डिपेंड लोग रहते हैं। और जो चीज़ें इन्हें वेज में पसंद है और चाइनीज़ में पसंद है वो इसीलिए मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दिया। हमने तो कभी कभी मुझे गुस्सा आती है ना, हम कहते हैं हाँ मुग़लों के ख़ानदान के जो है क्या कहते हैं चश्मो चिराग हो, और इसलिए जो है क्या कहते हैं बग़ैर गोश्त के जो है खाना निवाला हलक से उतरेगा नहीं। तो हम सब ने जो है फिर हमने तो नहीं खाया, मुझे चाउमीन बर्गर ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। तो इन लोगों ने खाया और ये सब पकते पकते शाम को जो है 5 बज गया था, और फिर हम लोगों को जाना था पार्लर, क्योंकि शादी जब हम लोग गए थे 1 महीना पहले तब हम और मेरी बहू पार्लर गए थे। और हम पार्लर जाएं या हम कहीं भी जाएं, रिक्शा अगर दरवाजे पे आ गया हम बैठ गए, मेरे ये दो भतीजे शरारत के जो है क्या कहते शरारत की गठरी हैं, ये दोनों शरारत के पुतले हैं। अगर ये लोगों को साथ में ना लेके जाओ तो ये लोग आफत कर देते हैं, और ये लोग जबरन जो है लटक गए। और ये मेरा दूसरा वाला घर है जो मैंने किराए पर ले रखा है, तो वही हम आपको दिखाने लगे थे। और ये दोनों बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इन लोगों की शरारतें कभी नहीं बंद होती, हम जहाँ जाएंगे ये लोग पीछे पीछे जो है हम लोगों के लगे रहते हैं। उसके बाद जब ये पार्लर से मेरे साथ आ गए, इन्होंने वहाँ पार्लर में इतनी शरारत की कि हमको शर्मिंदगी होने लगी। तो ये चुपा चुप्स लिए बोले कि आप तो हमें घुमा लही, आपने मुझे कुछ खिलाया नहीं। तो हमने इन्हें 5 रुपीज़ दे दिया था, तो ये चुपा चुप्स अल्लाह जाने क्या क्या जो है उठा के ले आते हैं लम गल्लम खाने के लिए बच्चे, और यही सारी चीज़ें जाके स्टमक में जो है इन्फेक्शन पैदा करती हैं। तो ये जो है देखिए, मतलब ये टॉफ़ी है और इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 कलर्स हैं। तो बच्चों को बस कोई भी चीज़ हो वो देखने में जो है अच्छी होनी चाहिए, तो मतलब इन लोगों को खाने से फिर मतलब होता है, बस वो चीज़ जो है अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो ये जो है नेक्स्ट डे की क्लिप है, और यहाँ पर जो है ये तीसरे दिन की क्लिप है। तो मैंने सोचा 3 दिन तक मैंने छोटा छोटा जो है वीडियो जो शूट करके रखा है तो आप तक की पहुँचा दूँ, ताकि फिर मेरे जो फ्रेश ब्लॉग आप तक की पहुँच पाएँ। तो नाश्ते में बना था छोला और साथ में बनी थी पूड़ियाँ, तो बच्चों की फरमाइश थी। तो अभी ज़िया नाश्ता करके अपने कंप्यूटर सेंटर जाने वाले थे इंस्टीट्यूट, तो नवाज़ आए थे ऊपर, तो कहने लगे हम भी फूफू खाएंगे। तो हमने कहा ठीक है बेटा आप भी खा लो,
तो ज़िया को जो है पूरी और छोला दिया गया, तो कहने लगे आपने ज़िया भाई को बड़ी बड़ी पूड़ियाँ दी हैं। अब आपको देखिए कि पूड़ी की जो शक्ल होती है, साइज़ होता है ऐसे ही तो होता है, लेकिन छोटे बच्चों के अंदर हिसका होता है ना कि मतलब उनको ज़्यादा पूड़ी दी है, हमको कम दी है, उनकी बड़ी पूड़ी है, छोटी पूड़ी है। हम सब भी इसी मतलब दौर से, माहौल से गुजर चुके हैं, जब हम सब भी छोटे थे तो किसका पराठा बड़ा है, किसकी पूड़ी बड़ी है, किसको जो है क्या कहते हैं, किसकी प्लेट में अगर एग करी बनी है तो किसका अंडा बड़ा गया, किसका अंडा छोटा गया है प्लेट में, तो ये सारा जो है मामला रहता है। तो बच्चों के अंदर तो ये सारी बातें होती हैं। तो खैर इन्होंने यहाँ पर छोला और पूरी जो है इंजॉय किया, और ये संडे के दिन की क्लिप है, और संडे के दिन कुछ ख़ास बने ऐसा होता है। और मेरे दोनों कानों के जो छेद थे वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। शादी में जब गए थे ना तब हमने पहना था, उसके बाद से क्योंकि मैंने ये रिंग उतारी तो आप मेरे शक्ल के 50 कोने यानी तकलीफ़ के जो बन रहे हैं चेहरे पे उससे अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मुझे कितनी दिक्कत हो रही है। और इस वाली बाली में तार, मतलब तार वाली बाली है ये, इसमें तार है, तो मैंने फिर जो है उसको कैसे कैसे करके छेद उसमें करवाया और बाली को पहना, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो अक्सर मेरे साथ यही होता है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।